कहाँ है राजा हिंदुस्तानी की बंजारन, कौन है वो बंजारन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। अगर आप सिनेमा प्रेमी हैं तो आपको आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी तो याद ही होगी। इस फिल्म का एक गाना बड़ा ही हिट हुआ था और वो गाना है परदेसी परदेसी। अब दोस्तों, ये गाना सुन के तो बहुत से लोग कई साल पीछे ही चले गए होंगे। गाने में वैसे तो आमिर खान और करिश्मा कपूर लीड रोल्स में नजर आए थे, लेकिन इस गाने में एक बंजारन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था और वो थी प्रतिभा सिन्हा। हम आपको प्रतिभा सिन्हा के बारे में बताएंगे जो अब एक गुमनाम एक्ट्रेस है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजा हिंदुस्तानी गाने में प्रतिभा सिन्हा बंजारन के रोल में नजर आई थी। इस गाने के बाद एक्ट्रेस रातों रात फेमस हो गई थी। प्रतिभा सिन्हा अभिनेत्री माला सिन्हा की बेटी हैं और प्रतिभा सिन्हा ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। परदेसी परदेसी गाने से पहले प्रतिभा कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें अपनी असली पहचान इसी गाने से मिली थी। आपको बता दें कि इस गाने में अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस रही माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा बंजारन के रोल में नजर आई थी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि प्रतिभा सिन्हा ने लगभग 12 से 13 फिल्मों में काम किया था, लेकिन उन्हें करियर में कोई खास पहचान नहीं मिल सकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतिभा सिन्हा म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी के साथ लंबे समय तक अफेयर में रही थी, जिसके बाद उनका रहा सहा करियर भी तबाह हो गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार शादीशुदा नदीम सैफी के प्यार में प्रतिभा इस कदर पागल थी कि उन्होंने अपने करियर तक को दांव पर लगा दिया था। वहीं नदीम पर लगे गुलशन कुमार की हत्या के आरोपों के चलते भी प्रतिभा का करियर बर्बाद हो गया था। कहते हैं माला सिन्हा अपनी बेटी के नदीम के साथ कथित अफेयर के खिलाफ थी, लेकिन प्रतिभा ने अपनी माँ की एक न सुनी। प्रतिभा आखिरी बार साल 1998 में आई फिल्म मिलिट्री राज में नजर आई थी। कहते हैं कि प्रतिभा अपनी माँ माला सिन्हा के साथ ही रहती हैं और गुमनाम जिंदगी बसर कर रही हैं। क्या आप इन्हें दोबारा से फिल्मों में देखना चाहते हो, और साथ ही क्या आप राजा हिंदुस्तानी जैसी जबरदस्त मूवी का सीक्वल देखना चाहते हो? आपको क्या लगता है, क्या इसका सीक्वल बनेगा? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक खुश रहिए और सेफ रहिए, साथ ही बने रहिए हमारे साथ। और हमारी आज की राइटर हैं मनीषा जैन।